इधर पाकुड़ के पुराना समाहरणालय में जूट बीज और प्रणाली का माफ कीजिएगा सखी मंडलों के बीच 3,37,00,000 की राशि का वितरण किया गया। राशि का वितरण ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। साथ ही झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित जूट बीज एवं परिसंपत्ति वितरण के मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, जिला कार्यक्रम प्रबंधन प्रवीण मिश्रा एवं सैकड़ों की संख्या में किसान सखी दीदियां मौजूद रही। इस क्षेत्र के कैसे करके यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे किया जाए, इस क्षेत्र का कैसे विकास हो और बेरोजगार यहाँ के तमाम जो हमारी बहनें हैं और भी लोग हैं उसको रोजगार में कैसे मिले। झारखंड सरकार बनने को उपरांत और विशेष करके ग्रामीण विकास के मंत्री होने के नाते हम लोगों ने कोशिश की है कि गांव के लोगों का जीवन स्तर को कैसे बेहतर से बेहतर बन पाए और जो भी योजना गांव में लाने के काम हम लोग ने किया है और भी हम लोग लाने के काम कर रहे हैं ताकि लोगों का जो है गांव का जो रोजगार गाँव के लोग गाँव में बेहतर कर सकते हैं। करीब 8,000 किसानों को जोड़ा था, आज उस कंपनी को उसका अपना एक ऑफिस मिलने जा रहा है, कार्यालय मिलने जा रहा है जहां से ये पूरे काम को संचालित कर सकेंगी और आने वाले समय में किस तरह से इस एफपीओ को वो और बेहतर कर सकें और बड़ा कर सकें उस पर वो काम कर सकेंगे।